हेलो फ्रेंड, बहुत लोगों ने रियलमी नार्जो 16 प्रो फ़ोन तो ले तो लिया, लेकिन इसमें कुछ कुछ फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आई है। सब फ़ोन में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, रियलमी नार्जो 16 प्रो में तो कुछ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे तो रियलमी नार्जो 16 प्रो में सब अच्छा दिया है, जो उसका कैमरा है वो 100 MP का कैमरा है, बैक कैमरा, और फ्रंट कैमरा 16 MP का है, और बैक कैमरे में आप 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 5000 mAh की बैटरी दी है, और जो उसका प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का 7050 का बहुत अच्छा प्रोसेसर दिया है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया है रियलमी कंपनी ने, तो ये क्या प्रॉब्लम है ये तो आप जब फ़ोन लेंगे तभी आपको पता चलेगा। और जो भी आपने पड़ोसी में फ़ोन लिया है रियलमी नार्जो 16 प्रो का, तो उसको भी आप पूछोगे तो वो भी आपको जवाब दे देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है रियलमी नार्जो 16 प्रो में। तो जब हम हमारा जो फ़ोन चार्ज ख़त्म हो जाता है, तो हम जो फ़ोन को चार्ज करने के लिए रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो रियलमी नार्जो 16 प्रो में जो टचिंग आता है ये उधर उधर लगने लगता है, और ठीक से हम कुछ भी फ़ोन में गेमिंग या कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो बस इसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो ये सब रियलमी नार्जो 16 प्रो में तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो आप सोचो ऐसा फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये खुदा करे कि आपका फ़ोन ऐसा ना आए रियलमी, जब आप लेंगे तो आपको ये फ़ोन ना आए, लेकिन जो कदा आ गया तो आपको ये प्रॉब्लम का देखने के लिए मिल जाती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसके लिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप 2-3 महीने रुक जाइए, और बहुत सारे रियलमी के फ़ोन आ रहे हैं, तो उसमें से आप कोई भी रियलमी का फ़ोन पसंद करके आप ले लेंगे। तो बस मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि रियलमी में ये बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो मेरे पास भी रियलमी नार्जो 16 प्रो का फ़ोन है, तो उसमें मैंने ये प्रॉब्लम देखा है, और दूसरे भी बहुत फ़ोन में ये प्रॉब्लम दिखा है मैंने। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।